नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के धनबाद के निरसा में धरातल पर नहीं हुआ नाली निर्माण, सिर्फ पेन पेपर में हुआ निर्माण, पैसों की भी हो गई निकासी, आरटीआई से हुआ खुलासा। शिकायत मिलने पर धरातल जांच में पहुंची एससीबी की टीम। निरसा विधानसभा अंतर्गत कुमार दुबी के पंचमोहली पंचायत में विकास कार्यों में खुली लूट की गई है। सरकारी राशि की लूट खसोट का आलम है कि नाला का निर्माण ही नहीं हुआ और रुपए की निकासी भी कर ली गई। इतना ही नहीं, पंचायत के निजी स्कूल के भीतर चबूतरा निर्माण करा दिया गया। मुखिया की मनमानी यहां तक सीमित नहीं है, दूसरे पंचायत में पेवर ब्लॉक बिछाकर भी विकास राशि का दुरुपयोग किया गया है। यह मुखिया पर आरोप नहीं बल्कि प्रमाण के साथ पूरी सच्चाई है। पंचायत के बडंगाल मोची टोला निवासी दलित युवा डब्लू दास ने इस बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। डब्लू दास ने मुख्यमंत्री जन संवाद, धनबाद के एंटी करप्शन ब्यूरो, डीसी, डीडीसी, पंचायती राज पदाधिकारी सहित अन्य से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के आलोक में ही गुरुवार को धनबाद एससीबी इंस्पेक्टर राजेश कुमार व उनकी टीम पंचमोहली पंचायत मामले की जांच करने पहुंची, कार्यस्थल का जायजा लिया, शिकायत को सही पाया और शिकायतकर्ता दास को कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन मीडिया से कोई बात नहीं की और फोटो वीडियो लेने से भी मना कर दिया। इतना ही नहीं, मीडिया के पहुंचने को लेकर शिकायतकर्ता दास को फटकार भी लगाई। क्या है पूरा मामला? 5 माह पूर्व डब्लू दास सहित 50 से अधिक ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से लिखित शिकायत की थी। शिकायत में कहा गया कि मोची टोला के टूना हांडी के घर से जीतू बाउरी के घर तक 2,77,942 रुपये की प्राकलित राशि से नाला निर्माण होना था, लेकिन नाला का निर्माण हुआ ही नहीं और काम पूरा दिखा सारी राशि निकाल बंदर बांट कर ली गई। उसी तरह पंचायत के एक निजी स्कूल के भीतर 1,09,900 रुपये प्राकलित राशि से चबूतरा का निर्माण करा दिया गया। इतना ही नहीं, चिरकुंडा नगर पंचायत क्षेत्र में जयप्रकाश सिंह के घर से बंटी झा के घर तक 2,36,086 रुपये प्राकलित राशि से पेवर ब्लॉक बिछा दिया गया, जो गलत है। डब्लू दास ने कहा कि आरटीआई करने पर यह जानकारी मिली कि इन तीनों विकास कार्यों की पूरी राशि निकाल ली गई है। जब इसका विरोध किया तो मुखिया सहित अन्य से धमकी मिल रही है। मुखिया पारूल पांडे ने भी मामले में स्पष्ट जवाब नहीं दिया, सिर्फ यही बात कही कि आरोप गलत है। आइए जानते हैं डब्लू दास, शिकायतकर्ता ने क्या कहा। धनबाद जिला ब्यूरो, पप्पू केवट की रिपोर्ट। सर, वो तो एक टीम सर एंटी करप्शन ब्यूरो से आए हुए थे, ठीक है, जो मैंने आरटीआई किया था, जिसके रिगार्डिंग सर मैंने जो अपने पंचायत के बारे में बोला था कि मेरा पंचायत में क्या कार्य हुआ है क्या नहीं, उसके बारे में को विवरण दीजिए। तो सर उसमें मुख्यतः तीन जो कारण निकला था, जो कि बड़डंगल में टूना हाड़ी के घर से आपका जीतू बारी के घर तक का जो नाली का निर्माण हुआ है वो सर एकदम तो हुआ नहीं धरातल पे, वो सर सर जांच करके गए। दूसरा सर आपका एमजीएम स्कूल में प्राइवेट स्कूल के अंदर में सर चबूतरा का निर्माण हुआ है, जो कि सर सरातर गलत है। और सर तीसरा सर फेवर ब्लॉक का निर्माण हुआ है, वो सर आपका नगर परिषद में किया गया है। यही टीम को यही सर जांच करने के लिए आपका एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा धनबाद से टीम आई हुई थी। तो तीनों स्थल का जांच किया? यस सर। जांच में कुछ पाए क्या, कुछ बताए? हाँ सर, जांच में सर जांच के सर तो सामने ही सारा करके गए, देख के गए कि हाँ ये जो बात बता रहे हो तो सही है। ठीक है, अब देखिए जांच टीम में क्या अपना ये देते हैं, कार्रवाई कहाँ तक आगे तक जाती है।